आइए साथियों, इस पूरे वीडियो की शुरुआत करते हैं मुंबई पुणे हाईवे से। और यहाँ का जो पूरा इलाका है यानी कि पुनावले, इसका पूरा डिटेल वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के सामने लाया है, जहाँ पे आप लोगों ने तमाम एरियल व्यू और यहाँ के बारे में जानकारियाँ दी हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं। चलिए सीधा पहले इसी हाईवे पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ही आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है कलमजाई मंदिर, और जिसके बगल में है पौना नदी और इसके ऊपर बना हुआ ब्रिज हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। इसे क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ के चारों तरफ का आप 360 व्यू भी देख लीजिए। और जिस इलाके से अभी हम लोग गुजर रहे हैं ये रावेत के अंतर्गत आता है। जैसे ही हम लोग ब्रिज क्रॉस करते हैं, राइट साइड में हमें दिख जाता है आई ट्रेंड वाटर फ्रंट। इसका भी हमारे पास कई रिक्वेस्ट आया है, इसका पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू हम लोग जल्द आप लोगों के सामने ले आएंगे। इसी हाईवे पे आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं फ्लाईओवर तक, और यहाँ के जो ग्राम देवता हैं यानी रावेत के, उनका नाम है श्री धर्मनाथ महाराज, और इन्हीं के नाम पे इस फ्लाईओवर का नाम श्री धर्मनाथ महाराज फ्लाईओवर रखा गया है। इस फ्लाईओवर के नीचे से जो अंडरपास है, एक तरफ रास्ता यानी कि राइट की तरफ रावेत विलेज के लिए निकल जाता है, और लेफ्ट साइड में जो आपका रास्ता जा रहा है इसे दादा साहेब सहस्रबुद्धे रोड के नाम से जाना जाता है। यदि हम लोग दादा साहेब सहस्रबुद्धे रोड की बात करें तो इस रोड पे जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेके आगे बढ़ेंगे, इस पे आपको जीके सिल्वर लैंड रेजिडेंसी मिल जाता है। इसी रोड पे मौजूद है एस्टाडो प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, और यही रोड एक तरीके से आगे जाके फिर क्यूले की तरफ निकल जाता है। ये पूरा इलाका जो अभी आप देख पा रहे हैं ये रावेत के अंतर्गत ही आता है। इसी दादा साहेब सहस्रबुद्धे रोड पे आगे जाने पे जमतानी ग्रुप का एस एबोट प्रोजेक्ट मौजूद है, जिसका सैंपल वीडियो हम लोगों ने जल्द अपलोड किया था। इसका पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू भी जल्दी लाने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट एक तरीके से रावेत क्यूले के बॉर्डर पर मौजूद है। तो यदि आपने अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे आपको रियल इस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बचे हुए इलाकों का पूरा नज़ारा। साथियों, यदि हम मुकई चौक को देखें तो मुकई चौक का नाम मुकई देवी के नाम पर रखा गया है, जिनका मंदिर पास में ही मौजूद है। यदि हम मुकई चौक के ईस्ट साइड में देखें तो जो रोड जा रहा है उसे आदर्श नगर रोड के नाम से जाना जाता है। वहीं वेस्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वह क्यूले रोड के नाम से जाना जाता है। ऑन रावेत बीआरटीएस रोड का एक छोर इसी मुकई चौक से शुरू होता है। ऑन रावेत बीआरटीएस रोड पर भी तमाम छोटे बड़े प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जैसे कोहिनूर ग्रैंडियोर, एस्टोरिया रॉयल आदि। इस पूरे सेक्शन का भी डिटेल वीडियो हम लोग आप लोगों के सामने जल्द ले आएंगे, जिसमें आपको पूरे रावेत का एरियल व्यू और यहाँ के प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोगों में से काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि रावेत और यहाँ पे मौजूद प्रोजेक्ट का रिव्यू किया जाए, तो अब वो समय आ गया है जब आपको ये तमाम वीडियो देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको क्यूले और रावेत के एक तरीके से बॉर्डर को दिखा रहे हैं, इसे भी आगे तक आप लोग देखिए, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें। मुकई चौक से ही जो क्यूले रोड जा रहा है, इसी रोड पे थोड़ा आगे जाने पे यहाँ पे आपको पुणे मेट्रो का काफ़ी बड़ा कास्टिंग यार्ड भी मिल जाता है, जहाँ पे पुणे मेट्रो के लिए तमाम चीज़ें तैयार की जा रही हैं, उसकी कास्टिंग की जा रही है। और यहाँ पे ये कास्टिंग यार्ड 2018 से मौजूद है। यह पूरा इलाका यानी कि आपका मुकई चौक और जहाँ से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है, यह पूरा इलाका क्यूले के अंतर्गत ही आता है। आज के समय पे जहाँ तमाम एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, वहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि यह एक्सप्रेसवे यानी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पूरे भारत का पहला एक्सप्रेसवे है, जो 2002 के आसपास बनकर तैयार हुआ। यदि हम एक्सप्रेसवे पे थोड़ा आगे बढ़ें तो लेफ्ट साइड में हमें बहुचर्चित सिम्बायसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है, जिसका पूरा प्रांगण इस समय आप एरियल व्यू में देख सकते हैं। क्यूले लोकेशन की अगर खास बात देखें तो यह वेल कनेक्टेड है, चाहे आपको हिंजौड़ी की तरफ जाना हो या फिर देहू रोड की तरफ, या फिर आपको मुंबई की तरफ जाना हो, उसके लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेस भी मौजूद है। साथ ही साथ ऑन रावेत बीआरटीएस भी इसी क्यूले से शुरू होता है, यानी कि यदि आप बजट में कुछ लेना चाहते हैं
अगर आपका बजट कम है तो आप इस लोकेशन को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ की कनेक्टिविटी दिख रही है। हाँ, यह जरूर है कि पुणे सेंट्रल, पुणे ईस्ट यहाँ से दूर है, लेकिन बाकी जगहों पे यानी कि पीसीएमसी, देहू रोड, तलेगांव, मुंबई, इन सब इलाकों से कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन है। साथियों, जब हमने पुणे नॉर्थ वेस्ट के इन वीडियोज़ की शुरुआत कर दी है, तो आने वाले समय में आपको तमाम वीडियो इस पूरे लोकेशन से देखने को मिलने वाले हैं। यह पहली कड़ी है रावेत क्यूले वीडियो की। आगे आपको इस वीडियो के, इस पूरे जोन के और भी पार्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपने अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको पुणे शहर से जुड़ी जानकारियाँ, रियल इस्टेट से जुड़ी जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।